अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नायला राशिद और आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट सी रेसिपी, कीमा आलू विद मेथी। और जिसके लिए ये देखें, ये मेथी को मैंने पहले साफ़ करके और नमक वाले पानी में डाल दिया था और उसके पत्ते तोड़ लिए थे, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको देगची में डाल के जो उसका पानी होता है, जो पानी छोड़ती है, वो एक टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के उसको मैंने ड्राई कर लिया। तो ये फिर आप इस तरह करके रख लें तो आप जब मर्ज़ी इसे यूज़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये कीमा मैंने 1/2 kg लिया है और ये हाथ का कुटा हुआ है, आप चाहें तो मशीन का ले सकते हैं। ये 2 आलू हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा काट के और पानी में रखा हुआ है, और ये 2 टमाटर हैं, वो भी मैंने छोटे छोटे काट दिए हैं, और ये चॉप हुई भी प्याज है, ये भी 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, और उसके अलावा ये 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और इसके अलावा जो है ये कुछ मसाले मैंने कूट के रखे हुए हैं जिसके अंदर साबित धनिया है 1/2 टीस्पून और जायफल जावित्री है 2 पिंच, और उसके अलावा इसके अंदर 4 से 5 काली मिर्चें हैं और 4 से 5 ही लौंग हैं जिन्हें मैंने कूट लिया है, और ये कुछ मसाले हैं जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आपको ज़्यादा डालना है तो आप 1 कर सकते हैं। उसके अलावा 2 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया है और नमक 2 टेस्ट, और इसके अंदर जो है वो कुटा पिसा हुआ ज़ीरा ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए नहीं तो स्किप कर दीजिए। और ये कुछ मसाले हैं जिसके अंदर जो साबित हैं, बे लीफ है, साबित ज़ीरा है और बड़ी इलायची है इसके अंदर, और इसके अंदर दालचीनी का 1 टुकड़ा है। तो चले मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, और ये तेल है जिसको मैं सबसे पहले देगची में डालूँगी, और सबसे पहले मैं उसको आलू को जो है वो फ्राई करूँगी। तो ये मैंने आलू में से पानी निकाल लिया है और ये इसके अंदर 1/2 कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल ऐड किया है, और इसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, और ये इसके अलावा जो है वो मैंने ये गार्निश के लिए जब सब तैयार हो जाएगा कीमा आलू मेथी तो फिर ये मैं उसके अंदर ऐड करूँगी। अदरक है और हरा धनिया और हरी मिर्च, और मेथी जो है वो बहुत थोड़ी सी आपको दिख रही है लेकिन ये ज़्यादा थी, ये साफ़ होके और थोड़ा पक के ये इस तरह हो गई है। तो आप 1 गड्डी यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद तो आप 2 गड्डी भी कर सकते हैं, वरना 1/2 भी कर सकते हैं। हमने इसमें से फ्राई आलू निकाल लिए हैं, अब मैं इसके अंदर साबित मसाले ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इनको सॉटी किया। अब इसके अंदर मैं चॉप अनियन ऐड कर दूँगी, ये देखें अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब मैं अनियन फ्राई हो गया है और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, तो फिर मैं इसके अंदर ये देखें ये कीमा है, इसको हमेशा जब भी आप धो के छलनी में रखें डालने से पहले उसे ज़रूर चम्मच से या हाथ की मदद से उसे खोल लें, नहीं तो ये पकेगा तो साथ जुड़ जाएगा। चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद जो है ये मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, हल्दी पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है।
इसके अंदर पिसे हुए मसाले और कुछ कुटे हुए मसाले भी ऐड कर दिए हैं मैंने। और अब के अंदर मैं मेथी ऐड करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आलू जो हैं आपके वैसे तो पहले फ्राई हुए थे, आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी का छींटा दे सकते हैं इसमें। और देखिए ये तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की। और अब आप इसके अंदर ये जो मैंने चीज़ें काट के रखी हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो थोड़ा मैं अंदर ऐड कर दूँगी और थोड़ा जब मैं डिश आउट करूँगी तब करूँगी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।